अस्सलाम वालेकुम। मौलाए मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 173 में फरमाते हैं कि जो शख्स मुख्तलिफ किस्म की रायों का सामना करता है वो खता और लग्जिश के मकामात को पहचान लेता है। वैसे तो हर शख्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है, जब भी उसे कोई मुहिम दरपेश हो, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा फैसला, कोई ऐसा काम अंजाम देने जा रहा हो जो शायद पहली मर्तबा करना हो, या उसके बारे में उसे कोई मालूमात ज़्यादा ना हो, तजर्बा ना हो, तो उसे चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों से वो मशवरा करे, उनसे राय ले। उससे ये होगा कि उसके फ़ायदे और उसके मनफी असरात वग़ैरह उसके सामने आ जाएंगे और वो उनसे बच कर अपने लिए कोई नया और कोई अच्छा तरीक़ा कार अख्तियार कर सकेगा। लेकिन ख़ास तौर पर ये जो एक इशारा है मौला के फरमान का, वो एक ऐसे सरबरा के लिए है कि जो किसी मुल्क का सरबरा हो, किसी तंजीम का सरबरा हो, या किसी ऐसे इदारे का सरबरा हो कि जहाँ वो मुख्तलिफ मामलात में किसी तरह से कोई फ़ैसले करने लगता है, तो जब भी वो फ़ैसले करे उसे ये चाहिए कि वो जो ख़ास अक्ल व दानिश रखने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें बुलाए, उनसे उस मामले पर मशवरा करे, उनको अपनी अपनी राय देने का पूरा हक़ दे कि वो आज़ादाना राय दे सकें। और उससे क्या होगा कि उसके लिए फ़ैसला करना और कोई लाए अमल इख्तियार करना आसान और बेहतर होगा। शुक्रिया।